इस ये आपके पास टू डी मोशन है और टू डी मोशन के लिए एंगल का जो लिमिट है वो जीरो और के आप किसी भी बॉडी को किसी आर्बिट्री एंगल से प्रोजेक्ट करें किसी भी आर्बिट्री एंगल से प्रोजेक्ट करें मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन द मूविंग बॉडी इज नोन एज अ प्रोजेक्टाइल आप ये देखें

नो हरिजेंटल एक्सेलरेशन अगर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई हारिजेंटल फोर्स नहीं होगा और अगर हारिजेंटल फोर्स नहीं होगा तो हरिजेंटल एक्सेलरेशन आपके पास जीरो होगा जो वर्टिकल फोर्स है द फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस दिस विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी कांस्टेंट एक बात याद रखें किसी भी बॉडी को अगर आप आर्बिट्ररी एंगल से प्रोजेक्ट करें अंडर कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स अंडर कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है द मोशन इज नोन इज प्रोजेक्टाइल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान सिर्फ एक सिंगल फोर्स एक्ट करता है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ठीक है और ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए अगर एक फोर्स के अलावा कोई और फोर्स हो बॉडी पे मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं होगा बुलेट को फायर किया जाता है तो बुलेट जब गन से निकल जाता है उसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट करते हैं तो बुलेट का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन ठीक है शेल को गोले को फायर किया जाए।